रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल बहन का रक्षाबंधन। रीमा अपनी माँ, भाभी, भैया और पिता के साथ रहती थी। रीमा बचपन से ही सख्त मिजाज की थी, लेकिन वो दिल की बड़ी ही अच्छी थी। एक दिन रीमा और उसकी भाभी स्वाति दोनों बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी, अरे मैडम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, साहब से ऊंची आवाज में बात करती हैं। रोहित ने उस लड़की को जोर का थप्पड़ लगाया जिससे वो जमीन पर आ गई। रोहित, राजेश और रमेश तीनों ही उस शहर के बड़े गुंडे थे। उन तीनों का डर पूरे शहर में था, इसीलिए कोई भी उस लड़की को बचाने आगे नहीं आ रहा था, लेकिन रीमा उन सभी में से नहीं थी। देखो भाभी, ये दरिंदे फिर किसी मासूम को परेशान कर रहे हैं। इस बार मैंने कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। नहीं रीमा, ऐसे गुंडों के झगड़ों में पड़ना ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो गुंडे बुरी तरह से उस लड़की को मार रहे थे कि तभी रीमा उस लड़की को बचाने पहुंच गई। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा शुक्रिया। ए, कौन है रे तू? चल निकल यहाँ से। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। रीमा ने एक जोरदार तमाचा राजेश के गाल पर रख दिया। पता चला कि मैं कौन हूँ? अभी तो बस एक तमाचा ही रखा है। आगे से किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भाभी। रीमा अपनी भाभी को लेकर घर आ गई। सभी उसकी बहादुरी को देखकर हैरान थे, तो वहीं राजेश अंदर ही अंदर गुस्से और बदले की आग में सुलग रहा था। काफी दिन इसी तरह से बीत गई। वैसे रीमा, एक बात बोलो, उस दिन जो तूने उस राजेश को ऐसा तमाचा लगाया था ना, सच में लग रहा था कि जैसे मर्दानी टू की रानी मुखर्जी आ गई हो। मैं अन्याय जरा भी सहन नहीं कर सकती हूँ। दोनों नंद भाभी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी दरवाजे पर बड़े जोर जोर से दस्तक हुई। अरे बाबा, आ रही हूँ। शांति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि शहर के गुंडे राजेश, रमेश और रोहित खड़े हुए थे। तुम लोग अंदर आने को नहीं बोलोगी अम्मा जी? क्यों आए हो? तुम्हारी बिटिया की मुंह दिखाई करने। ऐसे बोलकर तीनों गुंडे घर के अंदर घुस आई। उनकी आवाज सुनकर रीमा और स्वाति भी किचन से निकल आई और ऊपर से अमित भी आ गया। क्या काम है तुम्हें? तुमसे नहीं, तुम्हारी बहनों से है। हाँ? बकवास बंद कर। अरे अरे मैडम जी, आप आ गई? हम तो जरा बस उस दिन का हिसाब छुट्टा करने आए थे। राजेश ऐसे बोलता हुआ रीमा की तरफ बढ़ने लगा कि तभी अमित अपनी बहन के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं मेरी बहन से क्या चाहिए? अरे हाथ! राजेश ने अमित को जोर का धक्का मारा जिससे उसका सिर दीवार में जाकर लगा और वो घायल हो गया। भैया! अरे मरा नहीं है। तुम ही तो मैं? रीमा ने वहीं पास से गुलदान उठाया और राजेश के सिर में दे मारा। तेरी इतनी हिम्मत, इस गुलदान की गूंज तुझे बहुत ऊंची सुनाई देगी। बंद कर ये डायलॉग बाजी, तू कोई शाहरुख खान नहीं है। हमें शाहरुख पसंद भी नहीं है। अरे बंद करो ये बेकार की बातें। यहाँ हो क्या रहा है? अभी बताते हैं। राजेश ने ऐसे बोलकर रीमा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमित ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैडम जी टाटा बाय बाय। क्या बक! इससे पहले रीमा कुछ कर पाती, राजेश ने उसके सीने में गोलियां उतार दी। दरिंदो, क्यों मारा मेरी बच्ची को? रीमा आंखें खोल, रीमा, रीमा। सभी जोर जोर से रोने लगे। ए बढ़िया, रोना बंद कर। ए लुल्ले भैया जी, चलो निकलो इस घर से, अब ये घर अपन का है। राजेश ने शांति के सिर पर भी बंदूक तान दी। माँ, अगर इस बढ़िया को सलामती चाहते हो तो निकल जाओ इस घर से। अब बेचारे दुखियारे भाई के पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरे परिवार को अपना घर छोड़कर आना पड़ा और वो सभी रेलवे स्टेशन पर आकर रहने लगे। माँ, मेरी पुलिस में उन दरिंदों की कंप्लेन दर्ज कराई है, उन्हें कानून जरूर सजा देगा। पुलिस रीमा के कातिलों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। बेचारा परिवार रेलवे स्टेशन पर ही अपना गुजारा कर रहा था। अब रीमा की मौत हुए एक महीना बीत चुका था और आज रक्षाबंधन का दिन था। अमित बेचारा राखी हाथ में लिए रो रहा था। तू क्यों चले गई? स्वाति अमित के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर से पीछे हट जाती। लेकिन अमित की तड़प ने रीमा की आत्मा को जगा दिया और रीमा चुड़ैल रूप में लौट आई। एक तरफ अमित अपनी बहन के लिए आंसू बहा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, आज रक्षाबंधन है भैया, खुद को अकेला ना समझना, तुम्हारी बहन आ रही है। रीमा ने अपना चेहरा ढक रखा था। वो अपना चेहरा ढक कर ही अपने पुराने घर पहुंची, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिला। ना जाने सभी कहां चले गए। रीमा ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। आखिर में हार कर रीमा ने अपनी पड़ोस की एक औरत से अपने परिवार का पता मांगा। तब उसे पता चला कि वो लोग अब रेलवे स्टेशन पर हैं। अच्छा, तो उन दरिंदों ने मेरे परिवार को भी
ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया। खैर, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी पहले घर चलती हूँ। रीमा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहाँ एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी में रहते हुए उसे अपना परिवार दिखाई दिया। उन सभी को देख रीमा की आंखें भर आईं और वो अपने घर आई। भैया, कौन हो तुम? रीमा ने अपने चेहरे से घूंघट हटा लिया। चुड़ैल, चुड़ैल, पहचानो माँ, मैं तुम्हारी ही बच्ची रीमा हूँ। रीमा, तो सच में? शांति ने रीमा के कपड़ों पर गौर किया, वो उन्हीं कपड़ों में थी जिससे उसकी जान निकली थी। अपनी बच्ची को एक माँ ने चुड़ैल के रूप में भी पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तू लौट आई? हाँ माँ, आज मैं मेरे भैया के राखी बांधने आई हूँ। रीमा अमित के पास चली गई। अमित पहले तो उसे देखकर घबराया, लेकिन फिर वो अपनी बहन को पहचान गया। भैया, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो आ जाओ। रीमा ने आरती की थाली उठाई और अमित की आरती करके उसे राखी बांधने लगी। राखी बंधवाते हुए अमित की आंखें भर आईं। रीमा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं कोई जिम्मेदार और अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं इस राखी की कदर न कर सका। हर रक्षाबंधन तूने मेरी रक्षा के लिए ये राखी बांधी, लेकिन मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। मैं तुझे उन दरिंदों से न बचा सका। मेरी बहना, मुझे माफ कर दे। अमित ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगा। आसपास खड़े सभी लोग भी रो रहे थे। रीमा भी रोती हुई बोली, भैया, आपने मेरे जीते जी अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन मौत को तो सिर्फ भगवान ही टाल सकते हैं। मेरा इस दुनिया से समय और अन्न दोनों ही खत्म हो गए थे, इसलिए मुझे दूसरी दुनिया जाना पड़ा। लेकिन आपकी बहन आपसे नाराज नहीं है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मैं तेरे कातिलों को तेरी मौत की सजा जरूर दिलवाऊंगा। मुझे यकीन है भैया, अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं चलती हूँ। एक आखिरी बार अपने परिवार से गले मिलकर रीमा गायब हो गई। सभी की आंखें नम थी। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने भी उन कातिलों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उन्हें फांसी की सजा सुना दी और अमित को अपना घर वापस मिल गया। उसके बाद रीमा को सभी अपनी यादों में जिंदा रख खुशी से रहने लगे। पानीपुर के गांव में शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाया करते थे। वहीं गांव में एक जंगल था जो गांव से सटा हुआ था। उस जंगल के आसपास से जो कोई भी गुजरता, समझो वो अपनी जान से चला जाता था। अरे नहीं, ये मालिक भी ना रोज काम तो ज्यादा करवाते हैं और पैसा बस वही 500 रुपए रोज। वो आदमी ऐसे ही खुद से ही बातें करता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर उस भूतिया जंगल पर पड़ी। एक काम करता हूँ, इस जंगल के रास्ते से घर चलता हूँ। लेकिन रुक मोहन, कहते हैं इस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है, मुझे क्या करना चाहिए? वो आदमी ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल के अंदर से घुंघरू की आवाज सुनाई दी और फिर कोई बड़ी ही मीठी आवाज में उस आदमी से बोला, आ जाओ, मैं कब से दुल्हन का लिबास पहनी तुम्हारी राह तक रही हूँ। उसकी आवाज इतनी सुंदर थी कि उस आदमी के होश गुम होने लगे और वो बिना खुद को काबू किए उस जंगल में चला गया। उसके जंगल में प्रवेश करते ही सिर्फ उस आदमी की चीख बाहर आई और अगली सुबह गांव में एक और मौत का ढिंढोरा पिट गया। गांव का फिर से एक जवान आदमी मारा गया है, न जाने इस गांव का क्या होगा। उस आदमी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसी गांव में मिश्रा जी का परिवार भी रहता था, जिनका बेटा जोहान अभी एक हफ्ते पहले ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। बेटा, गांव में फिर से एक और मौत हो गई है, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, शाम के समय कभी भी उस जंगल के रास्ते से मत आना जाना, वरना। वरना क्या डैड? वहाँ आत्माएं रहती हैं। पता नहीं आप लोग अब तक भी इस सब में कैसे बिलीव करते हो। बेटा, हर बात पर बहस करना अच्छी बात नहीं है। ओके डैड, फाइन, मैं समझ गया। अब मुझे आज रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। ठीक है, लेकिन घर लौटने में आधी रात मत कर लेना। ठीक है पापा, आप तो मेरे ऊपर बिल्कुल लड़कियों की तरह रोक टोक लगाते हो। आई एम अ बॉय। तुझे क्या लगता है, लड़कियां कमजोर होती हैं? अरे अगर लड़कियां अपनी पर आ जाए ना, तो वो हर मर्द को पैरों तले कुचलने की ताकत रखती हैं। आपको जरूर मम्मी की याद आ रही है। अभी बताता हूँ तुझे। जोहान हंसता हुआ घर से निकल आया और अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के साथ खूब देर तक पार्टी करने के बाद लगभग आधी रात को जोहान घर लौट रहा था। डैड ने बोला था कि ज्यादा देर मत करना, मुझे तो बहुत ज्यादा देर हो गई,
ऐसे करता हूँ शॉर्टकट से घर चलता हूँ। जोहन ऐसे बोलकर जंगल में घुस गया और आधी रात को घर आने लगा। कौन कहता है कि यहाँ पर भूत है? वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी एक बिना शरीर के हाथ ने उसका पांव पकड़ लिया। आ, आ, छोड़, छोड़ मुझे। उसके चिल्लाने से वहां पर एक बिना सिर और पैर का बस एक बाजू वाला शरीर जो पूरा खून से लथपथ था वो निकल कर आया। उसे देख जोहान बहुत ज्यादा डर गया। ये एक सपना है, ये कोई हकीकत नहीं है। जोहान ऐसे बोल ही रहा था कि तभी एक मुंडी जिसका कोई शरीर नहीं था उड़ती हुई जोहान के पास पहुंची। ये कोई सपना नहीं हकीकत है, लेकिन बहुत जल्द सिर्फ लोगों के सपने में ही रहेगा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम क्यों आई हो? मैं यहाँ मेरे साजन को ढूंढने के लिए आई हूँ। उन्हें ढूंढने के बाद मैं उनसे शादी कर लूंगी। जोहान दिमाग का तेज था। चुड़ैल की बातें सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा साजन मिला नहीं? मिलेगा भी कैसे? तुम्हारे साजन को ही लेने में तो जा रहा था, लेकिन तुमने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या मेरे साजन को लेने तू जा रहा था? तो जाना और उन्हें मेरे पास ले आ। ये ले, मेरी तरफ से ये अंगूठी रख ले। अगर तुझे वो कहीं दिखे तो उन्हें ये दे देना। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही वो मुंडी हाथ और शरीर गायब हो गया और जोहान वो अंगूठी लेकर जान बचाकर लौट आया। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सभी हैरान रह गए। अभी तक हमें सिर्फ भ्रम था कि इस जंगल में किसी चुड़ैल या भूत का साया है, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है। साथियों, हम इस तरह अपने गांव के लोगों को नहीं मरने देंगे। चलो किसी महान बाबा के पास इस समस्या का हल ढूंढने चलते हैं। सभी गांव वाले एकजुट होकर एक महान बाबा के पास पहुंच गए जो वहीं पहाड़ों में रहते थे और बाबा को जाकर सारी बातें बता दी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें पूरी बात जानना जरूरी है। बच्चा, क्या तेरे पास उस चुड़ैल की कोई निशानी है? जी बाबा, मेरे पास ये अंगूठी है। बाबा ने जोहान से अंगूठी ले ली और जैसे ही उन्होंने उसे पवित्र जल के कटोरे में डाला, उस चुड़ैल के अतीत की कहानी पानी में साफ साफ दिखाई देने लगी। सुनिए जी, अब नहीं रहा जाता। अब तुम जल्दी से मेरे घर आंगन अपनी बारात ले आओ ताकि मैं तुम्हारी हो सकूं। मैं भी बेताब हूं, लेकिन अब बस एक दिन की ही तो बात है। ओम और रोशनी की शादी होने वाली थी। एक दिन बाद आज शादी का दिन था। ओम गाजे बाजे से अपनी बारात ला ही रहा था कि तभी चलते चलते बस के ब्रेक फेल हो गई और बस एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। जब रोशनी को इस सब की खबर लगी तो वो रो रो कर पागल हो गई और ओम को ढूंढने के लिए वो पानीपुर के पास वाली जंगल में आ गई। मेरा साजन, मेरे ओम जी कहाँ हो, कहाँ हो? रोशनी से ओम के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो उसी जंगल में फांसी लगाकर मर गई। लेकिन उसकी आत्मा तड़पते हुए आज भी अपने साजन की राह देख रही है। बाबा, तो इस समस्या से कैसे छुटकारा मिल सकता है? इस चुड़ैल को उसके साजन से मिलवाने पर। चलो मेरे साथ। शाम सी हो चली थी। तांत्रिक सभी के साथ गांव चला गया और फिर जोहान से बोला, अब तुम मेरे साथ चलो। पागल समझा है क्या? तूने ही उस चुड़ैल को वचन दिया था, अब तू अपनी बात से मुकर मत। जान बचाने के लिए बस मैंने एक झूठ बोला था बाबा, मैं फिर मरने नहीं जाऊंगा। जोहान ऐसे बोल ही रहा था कि तांत्रिक उसे खींचता हुआ अपने साथ जंगल में ले आया। बाबा, अगर मैं मरा तो मैं सबसे पहले भूत बनकर तुम्हारे ही पास आऊंगा। चुप कर। दोनों चलते जा रहे थे कि तभी पीछे से दो पैरों और हाथों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बाबा को अंदाजा हो गया था कि खतरा सिर पर है, इसीलिए उन्होंने तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो हाथ पांव गायब हो गई। कुछ दूर चलने पर चुड़ैल की मुंडी जोहान के आगे आकर लटक गई। ले आया मेरे साजन को। इन बाबा से पूछो। हाँ, ले आए। कहाँ, कहाँ है वो? तांत्रिक ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो वहाँ है। उस हादसे में तेरा साजन परलोकवासी हो गया और तू मरकर भी यहीं भटक रही है। तेरा पति ऊपर तेरा इंतजार कर रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम दोनों ने मुझे खत्म करने के इरादे से यहाँ आए हो, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने जोहान को गला पकड़कर उठा लिया कि तभी बाबा ने चुड़ैल पर पवित्र जल छिड़क दिया और उसने जोहान को दूर फेंक दिया। मेरे साथ धोखा। चुड़ैल बाबा पर झपट गई कि तभी जोहान ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल हनुमान चालीसा सुनकर बेकाबू होने लगी, लेकिन जोहान चुप नहीं हुआ। बंद, बंद कर इसे।
बाबा को चुड़ैल को बेकाबू होते देख मौका मिल गया और उन्होंने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं जलाकर राख कर दिया। उस दिन के बाद से फिर कभी उस जंगल में कोई हादसा नहीं हुआ और पानीपुर में भी सभी खुशी खुशी रहने लगे।